हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आई ए एस माई नेम इज़ आकाश विजेरन और आज है थर्ड जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ठीक है आज साल का तीसरा दिन है और आज फिर से हमारा समय हो चुका है द हिंदू की एनालिसिस का ठीक है तो आज मैं थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ ठीक है क्योंकि आ, मैं किसी जरूरी काम में थोड़ा फंस चुका था ठीक है तो उसके लिए रियली वेली सॉरी ठीक है तो अब इतना टाइम अगर वेस्ट हो ही चुका है तो आगे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे और जल्दी से जल्दी जो है इसको स्टार्ट करते हैं चलिए तो पहला आपका है आस पैसे आपको बता दूँ आज सन्डे है बताया आपको ठीक है तो संडे में आपके कुछ ही आर्टिकल्स जो हैं वो आपके आते हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं ठीक है इतना कुछ जो है उसमें होता नहीं है ठीक है तो जल्दी जल्दी जो है इनको देखते हैं एक बार क्या क्या जो है आज हमारे लिए थोड़ा बहुत आया हुआ है ठीक है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सी पी सी आपका सी पैक जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसके ऊपर आपका ये आर्टिकल है तो इस आर्टिकल में आपका बेसिकली बताया हुआ है कि जो सी पैक है अब जो है उसकी उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ठीक है उससे जो एक्सपेक्टेशन चाइ पाकिस्तान की थी चाइना की थी उन दोनों के टाइज की थी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की थी ठीक है वैसी एक्सपेक्टेशन अब जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है ठीक है तो आपको पता होगा दिसंबर 25 को एक मीटिंग हुई थी ठीक है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है तो ये आपकी कहाँ हुई थी ये आपकी हुई थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ठीक है जिसमें आपके चाइना के कुछ डेलीगेट्स थे वहीं आपके पाकिस्तान के भी कुछ डेलीगेट्स थे ठीक है आपको पता है और जो आपका सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब इसको पाँच साल हो चुके हैं साइन हुए ठीक है इसको जो है अब पाँच साल हो चुके हैं ठीक है ठीके? तो आ, मुझे याद है जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत जो है इसके बारे में एकदम से जो है आपका हल्लासा हो गया था एकदम से ठीक है तो बहुत जो है इसके बारे में बहुत इस पर आर्टिकल्स आए थे

के बावजूद भी जो है अच्छे से जो है हमने इम्प्लीमेंट किए अच्छे से जो इसमें काम किए हैं ठीक है चीके? तो दोनों ने जो है मतलब इसकी तारीफ़ की लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसा रियलिटी में नहीं है ठीक है द सेम स्टेटमेंट डिड हाउ एवर ऑल्सो बेटर आए दैट बिलो द सर्फेस नॉट एवरी थिंग वेल ठीक है तो वही बात है कि बिलो द सर्फेस जो है सब कुछ जो है आपका सही नहीं था नॉट एवरी थिंग वेल ठीक है

का जो लोन है वो तो उसके ऊपर है ही है ठीक है और जो बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस का जो लोन है वो भी उसके ऊपर ऑलरेडी है ठीक है थीके? तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी ख़राब है पैंडमिक की वजह से भी जो अर्थव्यवस्था तो है उस पर जो है आपका बहुत ख़राब असर पड़ा ठीक है ये थोड़ी विंडो ही बार बार खुल रही है ठीक है इसको मैं जो है बाद में वीडियो के बाद इसको ख़त्म करूँगा ठीक है तो ये बीच में आयाम्स ऑफ सॉरी तो फिर uh, जिस हम कहाँ थे हाँ तो ये था कि अब ये जो है पाकिस्तान में आपका इस बात को काफ़ी तूल मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कोरिडोर सी पैक के अंडर जो लोन लिए गए हैं ठीक है थीके? तो इनको जो लौटाया कैसे जाएगा ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो है ये जो लोन वाला फैक्टर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वाला फैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं जो है सी पैक की फंक्शनिंग को थोड़ा ख़राब कर रहा है ठीक है तो अब उसी दिन क्या हुआ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो आपका न्यूज़पेपर है ठीक है उसमें लिखा गया कि चाइना जो है चाइना ने जो है एक एडिशनल गारंटी मानी है मांगी है ठीक है ताकि और क्यों मांगी है क्योंकि वो सिक्स बिलियन डॉलर्स का एक लोन था जो सेंक्शन करने वाले थे ठीक है मेन लाइन वन प्रोजेक्ट है आपका एम वन ठीक है जो कि आपका पेशावर और कराची के बीच में आपकी एक रेल लाइन है ठीक है उससे रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट था तो उसमें सिक्स बिलियन डॉलर्स का लोन सेक्शन करने से पहले चाइना ने जो है एडिशनल गारंटी मानी है मांगी है ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद चाइना के मन में थोड़ी एम्प्रीहेंशन आ चुकी है कि शायद अगर हम पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं ठीक है तो क्या पता हमें वो लोन वापस मिले या ना मिले ठीक है और ना ही मिलेगा तो शायद पाकिस्तान तो चाइना के लिए तो शायद अच्छी बात रहेगी क्योंकि चाइना की तो डिप्लोमेसी ही है डेट ट्रैप की ठीक है तो ये सब कुछ आपका हो रहा है लेकिन Uh, बीजिंग ने क्या किया बीजिंग ने क्या किया चाइना ने जो ये रिपोर्ट थी आपकी जो आपकी एक्सप्रेस टी में जो प्रिंट जो आपकी प्रिंट हुई थी उसको जो है बेसलेस बता दिया ठीक है लेकिन बिना किसी uh... आई थिंक सोर्स के या बिना किसी हल्की सी चिंगारी के तो मेरे को लगता नहीं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसा कोई न्यूज़पेपर इतनी बड़ी रिपोर्ट को जो पब्लिश कर देगा ठीक है क्योंकि अपनी रेपोटेशन रेपूटेशन जो है हर न्यूज़पेपर uh, को बहुत प्यारी होती है ठीक है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही बहुत तो होगा ही होगा डेफिनेटली ठीक है कहीं ना कहीं सोर्सेज से तो पता लगा ही होगा ठीक है तो हम इसको पूरा बेसलेस नहीं कह सकते कहीं ना कहीं कुछ तो है ठीक है uh, तो अब जो आपकी मीटिंग हुई उसमें दोनों साइड्स ने ये बात की कि जो हम जो है uh, जो सी पी सी का जो पॉजिटिव रोल है जो सी पैक का आपका पो, पॉजिटिव रोल है उसको जो पब्लिसाइज़ करेंगे ठीक है ताकि लोकल लेवलीहुड्स को हम बढ़ावा दे सकें ठीक है और वहीं हम इनकेट रिपोर्ट्स को पब्लिश करने से बचेंगे ठीक है और हम लोग जो है अपनी देश की मीडिया को एंकरेज करेंगे कि वो सी पी ई से सी पी ई सी से जो आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ पे जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोऑपरेशन दिखाया जा रहा है ठीक है उस पर जो है वो पब्लिश करेंगे ठीक है तो ये सब उन्होंने बताया ठीक है

जैसे जैसे प्लान सी पी सी में बनाए गए सी पैक में बनाए गए थे वो सारे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इसको बढ़ता जा रहा है इस प्रोजेक्ट को वैसे वैसे ये बात सबके समझ में आ रही है कि जो आ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमारी तो नहीं मतलब पाकिस्तान और चाइना में जो एक्सपेक्टेशंस थी ठीक है जिनके अलाइस की जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो सी पी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है ठीक है ये कहीं ना कहीं जो है अब ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है ठीक है साइंस आर दैट द बिल्डिंग ऑफ दी पैक इज़ ऑलरेडी ड्राइविंग अ चेंज इन चाइनाज पोजिशन ऑन इशू सच द कश्मीर डिस्प्यूट ठीक है कश्मीर डिस्प्यूट जब से आपका ये आर्टिकल थ्री सेवेंटी एट है न, जब से जो है चाइना uh, की पोजिशन में जो है थोड़ा चेंज हमें देखने को मिला है ठीक है जो सी पी सी से रिलेटेड उसकी जो चाइना की जो पोजिशन है वो कहीं ना कहीं जो है हमें उसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है क्योंकि uh, इंडिया ने जो है जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ से आर्टिकल 370 को जो है अबोलिश कर दिया ठीक है कश्मीर से तो कहीं ना कहीं उनके बीच चाइना के मन में, में ये अप्रीहेंशन है कि, कि हो सकता है आने वाले समय में पीओके में जहाँ से आपका सीपीई से आपका होकर गुजरता है ठीक है वहाँ से आपका जो कॉरिडोर होकर गुजरता है ठीक है तो चाइना एक बार में ये अप्रीहेंशन हो सकता है आने वाले समय में इंडिया शायद पी को जो है अपने अंदर ले ले ठीक है वहाँ पर जो है इंडिया का राज आ जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जो सी में चाइना का हो रहा है कहीं ना कहीं वो वेस्ट आ जाएगा ठीक है तो ये थोड़ी जो अप्रीहेंशन है चाइना के मन में डेफिनेटली है क्योंकि इसी बात को लेकर इसी बात से गुस्साए होकर थोड़ा आ, होकर जो है चाइना ने कई सारे इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स भी दिए थे रिगार्डलेस ऑफ द लिमिटेशन वन लेगेसी ऑफ द प्लान दैट इंडिया विल हैव टू कंटेंट विद इज हाउ इट हैज द चाइना पाकिस्तान टाइज एडिंग इकोनॉमिक स्टेक्स टू एन ऑलरेडी क्लोज मिलिट्री पार्टनरशिप ठीक है तो आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में पहले से एक स्ट्रॉग मिलिट्री पार्टनरशिप थी पाकिस्तान और चाइना के बीच में ठीक है तो कहीं ना कहीं आ, ये आने के बाद से आपका Uh, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक टाइज है वो थोड़े स्ट्रेंथन हुए ठीक है तो एक बार आप हम देखते हैं कि ये आपका देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है काशकार चाइना से ठीक है और फिर आपका ये देख लीजिए यहाँ से चाइना से होते हुए आपका ये पी ओ के से यहाँ से होता हुआ गुजर रहा है ठीक है तो इस बात को लेकर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको क्रिटिसाइज़ कई बार किया भी है जो कि गलत बात है क्योंकि वो जो वो आपका जो पूरा एरिया है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है ठीक है बेशक उसको इलिगली ऑक्यूपाई कर रहा है पाकिस्तान ने लेकिन वो इंडिया की ट्रेटरी का पार्ट डेफिनेटली है है ठीक देन बात करते हैं डील की डील को लेकर जो है हमारी ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अवेलेबल है ठीक है अगर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की चाहिए तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की वो एनहेंस हो जाएगी ठीक है तो फिलहाल अभी इस आर्टिकल की बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया इसमें बेसिकली आपका जो आपकी डील अभी कुछ दिनों पहले हुई है जिसको जो स्ट्राइक किया गया है ठीक है उसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का इन्होंने थोरली बताया कि क्या कुछ है और क्या जो है इसके इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर ये डील नहीं होती तो क्या है इसके इंप्लीकेशन होते हैं ठीक है थीके? तो आपको पता है कि ट्रांजिशन पीरियड जो आपका था जो आपका थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को एंड हो चुका है ठीक है वो आपका अब ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो है डील करनी बहुत जरूरी थी अगर डील अगर डील नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं हमें बहुत खराब इम्पैक्ट जो है यूके की मार्केट में देखने को मिलते ठीक है तो जो डी जो आपको पता है कि यूके ने यू को जनवरी थर्टी फर्स्ट को ही लीव कर दिया था ठीक है लेकिन ट्रांजिशन पीरियड आपका 11 महीने का था तो वो इस वजह से आपका हो गया था दिसंबर थर्टी फर्स्ट तक ठीक है तो जब तक का टाइम जो है यूके और ईयू को मिला था कि आप दोनों जो है आप कोई डील करीजिए या फिर अगर डील नहीं हुई तो फिर जो बिना डील के है, आप दोनों का जो ये आपका प्रोसीजर अलग होने का ब्रेगजिट ये आपका हो जाएगा ठीक है तो ये एग्रीमेंट जो आपका हुआ इसमें मेन फीचर्स क्या है मेन फीचर्स वही आपका जीरो टेरिफ ठीक है ज़ीरो टैरिफ्स हैं आपकी ठीक है जितने भी आपका ट्रेड होगा वो मोस्टली जीरो टेरफ जीरो टैरिफ या जीरो कोटास से रिलेटेड होगा ठीक है कोई लिमिट यहाँ पर होगी नहीं ठीक है तो ट्रेड जो है आपका फ्री एंड फेयर होगा यहाँ पर ठीक है तो और अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ये डील नहीं होती ठीक है तो कहीं ना कहीं जो ड्यूटीज़ है ना जो आपका गुड्स जो आपके वहाँ से कहे है जाते हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट उन पर ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होती है गुड्स की वो बहुत घट जाती है और जो आपके थे आपके एंटरप्रेन्योर्स या कंपनीज़ उनको जो है भारी लॉस हमें देखने को मिलता है जो अर्थव्यवस्था की हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती है ठीक है और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि अगर मान लीजिए डील नहीं होती यू और यू के बीच में तो कहीं ना कहीं जो जी में हमें गिरावट देखने को मिलती कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती यू की में तो वो सिक्स की कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती ठीक है लेकिन अगर जैसा कि डील हो चुकी है तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ही ठीक है तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको फोर परसेंट तक जो है कन्फाइन किया रखा जा सकता है ठीक है तो वैसे क्या नए हर्डल्स हैं जो यूके फेस कर सकता है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि द लेटेस्ट एग्रीमेंट कैन नॉट शील्ड ब्रिटेन फ्रॉम अ कॉस्टली डिस्ट्रप्शन रिस्ट्रिक्शन एस ट्रेड फ्लोस डरिंग द पास्ट फोर्टी सेवन ईयर्स ऑफ इट्स ई यू मेंबरशिप आपको पता है कि पहले एक सिंगल मार्केट थी ठीक है तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन या uh, एटसेट्रा जितने भी आगे प्रोविजन क्राइटेरिया होते थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था ठीक है तो अब आपको पता है कि अगर यूके अलग हो चुका है तो सिंगल मार्केट का जो आपका प्रोविजन था वो अलग हो चुका है ठीक है तो कहीं ना कहीं जो आपके कस्टम कंट्रोल्स हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे यूके के बॉर्डर्स पे जो आपके चेक्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे रूल्स ऑफ ऑरिजिन को चेक करने के लिए तो कहीं ना कहीं जो इसमें डीले इन सब की वजह से हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो डीले जो है एक, एक जो है इसका एक फैक्टर होगा ठीक है तो वट इज द फ्यूचर होल्ड फॉर रिलेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड द यू एवर सिंस द टू थाउजेंडी रेफरेंडम टू क्विट द यू यूरोपियन लीडर्स हैव बीन अ अन एक इन देयर ओपिनियन दैट एनी फ्यूचर रिलेशनशिप मस्ट एंटेल ह्यूज कॉस्ट ऑफ एग्जिट फॉर द यू के जस्ट एज इट्स फोर्टी सेवन ईयर मेंबरशिप ऑफ द ब्लॉक ब्रॉड वास्ट बेनिफिट्स ठीक है तो उनका मतलब यही कहना था कि कहीं ना कहीं एक ह्यूज कॉस्ट यहाँ पर एक इंक्लूड रहनी चाहिए ठीक है इन द फोर एंड हाफ ईयर सिंस द वोट ब्रसल्स है लार्जली अचीव इट्स आर्किंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग दट ब्रेग्जिट डज नॉट सेट सेटअप प्रेसिडेंट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ फॉर अदर मेंबर स्टेट्स ठीक है तो कहीं ना कहीं पिछले सात सालों में चार से आपके फोर एंड हाफ ईयर्स में जो आपका ब्रसल्स जहाँ पर आपका यू का हेडकोर्टर्स है उसने जो है कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव जो है इंश्योर कर लिया है कि ब्रेग्जिट की जो आपकी ये आपका जो प्रोसीजर रहा है ये कहीं ना कहीं किसी और मेम्बर स्टेट के लिए कोई प्रेसिडेंट ना सेट कर दे ठीक है कोई मान लीजिए इन सारे एक्शन की वजह से कोई मोटिवेट हो जाए कि हाँ जो हम भी हम भी छोड़ रहे हैं को ठीक है वो भी जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ के चला जाए ठीक है तो एक और इश्यू आपका जो था, वो था आपका आपको बताऊ रिलेटेड आपको, आपको पता है आप, टेरिटोरियल वोटर्स होते हैं ना ठीक है ना एक देश के तो यूए जो आपको यूके है वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स में सॉरन राइट्स मांगता था कि जो है हमारे यहाँ पे सॉवरन राइट्स हैं यहाँ पे जो फिशरीज का जो अधिकार है वो हमें ही है ठीक है तो वो भी जो है इसका एक मेन प्रोविजन था इस डील का ठीक है तो आगे बात करते हैं चौकिंग आउट एंड इफेक्टिव कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन प्लान आपको पता है कि आ, कल जो है आ, हमारे देश में कोविशील्ड को एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन हमें मिल गया था ठीक है कोविशील्ड वैक्सीन जो आपकी थी एस ठीक है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो Uh, आज जो है uh, उसको मिल गया है आपकी जो आपकी कोवैक्सीन है ठीक है भारत बायोटेक की ठीक है तो आपको पता है पूरे देश में आपकी क्या करवाई कंडक्ट करवाई जा रही है अभी ड्राई रन ठीक है ड्राई रन में आपको जो आपका इसको आप कह सकते हैं ठीक है इसमें आपके एक्चुअल शॉट्स नहीं दिए जाते इसमें बस आपके चेक uh, किया जाता है कि जो हमारे मैकेनिज्म्स uh, जो हमारे एग्जिस्टेंस में है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ऐसा जो है इसमें चेक किया जाता है इसमें जो है आपका इंश्योर किया जाता है ठीक है तो ये आपका पूरे देश में आपका अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है ठीक है आपके कम से कम 125 जिलों में आपका कंडक्ट करवाया जा चुका है ठीक है और फोर स्टेट्स आंध्र प्रदेश असम गुजरात एंड पंजाब हैड डन अ पायलट ड्राई रन ऑन दिसंबर 28 एंड 29 नाइन एंड द हेल्थ मिनिस्ट्रीज हेट नो मेजर इश्यूज फॉर अब्जाउट ठीक है तो आंध्र प्रदेश असम गुजरात पंजाब में आपके जो आपके ये आपकी ड्राई रन है ये आपकी करवाई गई ठीक है और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर हम जाएँ तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि कोई भी दिक्कत जो है उनका उनको सामना नहीं करना पड़ा उस दिक्कत का ठीक है तो नेसेसरी है कि उतना नेसेसरी इसी वजह से था क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है ठीक है इंडिया को ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में ठीक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो नाइनटीन में आपका हुआ था ठीक है उसमें जो है आपके पा ट्वेल्व डिफरेंट टाइप की वैक्सीन जो है आपकी लगाई जाती हैं ठीक है इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में ठीक है और अगर हम यूनिसेफ यूनिसेफ को पता है बहुत एक रिलायबल आपका एक सोर्स हो सकता है ठीक है तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के, के मुताबिक इंडिया में एनुअली नाइन मिलियन इम्यूनाइजेशन सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं ठीक है नाइन मिलियन नब्बे लाख मतलब एक करोड़ में सिर्फ दस लाख कम ठीक है कितना बड़ा ये अमाउंट है सोच लीजिए आप कितना बड़ा अमाउंट है ठीक है तो मतलब कितना एक्सपीरियंस जो है इंडिया को होगा कितनी आ, बड़ी जो इंडिया की ये आपकी सप्लाई चेंस होगी इन सब में ठीक है आपका जो पूरा नेटवर्क होगा वो कितना वाइड होगा ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस है ये इंडिया को काफ़ी काम आने वाला है कोविड 19 की वैक्सीनेशन प्रोग्राम के टाइम पे ठीक है तो अभी आपका जरूरी क्यों तो जरूरी यह था कि हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट नोट्स दैट पर्पस ऑफ द ड्राई रन वाज टू असेस ऑपरेशन फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग कोविन एप्लीकेशन ठीक है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो आपके ड्राई रन थे वो इस से इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इससे जो है आपका ये चेक किया जाता कि <coughs> जो आपकी कोविन एप्लीकेशन आपको पता होगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसमें आपके सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आपके प्रायोरिटी आपके आ, जो आपका ग्रुप था जिसमें जिनको पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी ठीक है तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना था ठीक है तो जो है उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए रेंज जो है आपकी कंडक्ट करवाई गई ताकि फील्ड एनवायरमेंट में जो है उसको इसकी जो है हम चेकिंग कर सकें ठीक है और जो लिंकेजेस आपके पूरे नेटवर्क में हैं उन सबको जो है चेक किया जा सके उनकी टेस्टिंग की जा सके कि अगर मान लीजिए कोई Uh, कोई मान लीजिए कोई अगर दिक्कत है तो वो अभी अभी पता लग जाए एक्चुअल वैक्सीनेशन के वक्त जो है हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ठीक है तो ये मॉक ड्रिल था आपके तरीके का तो हाउ हाउस इट ऑर्गेनाइज इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया द ड्राई रन वॉज कैरीड आउट इन वन और टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड सेशन वर ऑर्गेज एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस ठीक है तो आपके स्टेट्स में किसी एक या दो जिले में आपको कंडक्ट करवाया गया ठीक है और जो आपका सेंटर रहा वो आपका वही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक है इन सब पे जो है आपका करवाया गया ठीक है और इसमें आपके सारी जो आपके की स्टेप्स थे उन सबको फॉलो किया गया ठीक है सारे आपके जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स थे उनके पास एक एस एम से मैसेज भेजा गया कि उनको जो है उसमें उसका उनका टाइम और डेट जो है बता दी गई कि आप यहाँ पर आके जो है अपना शॉट ले सकते हैं ठीक है ठेके? लेकिन इसमें एक्चुअल शॉट्स नहीं लिए गए तो इसमें जो है आपका एक मॉक ड्रिल था ये ठीक है इसमें आप जितने भी आपके कोल्ड चेंज नेटवर्क थे ठीक है जितने भी आपके लिंकेजेस थे उन सबको जो है इसमें टेस्ट किया गया था ठीक है एक्चुअल शॉट्स इसमें नहीं दिए गए इसी वजह से इसको ड्राइडन बोला गया ठीक है देन फॉलोइंग द ड्रमी रन आर एक्चुअल ठीक है तो मान लीजिए ड्राई रन तो हो गया ठीक है अच्छे अच्छे हमें फीडबैक्स भी मिल गई कि हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ तो अब आ, रियल वैक्सीन्स रोल आउट करने के लिए रेडी हैं ठीक है तो हमें पता है दो वैक्सीन्स को आ, आपको मिल चुका है अप्रूवल एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आपको मिल चुका है कोविशील्ड कोवैक्सीन ठीक है को को तो <coughs> कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि अगले आ, हफ्ते से मतलब कल मंडे है आपका ठीक है तो मंडे से कहीं ना कहीं जो है आपका ये स्टार्ट हो सकता है ठीक है हमें भी पूरी पूरी उम्मीद है हम तो यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो ठीक है जल्दी से जल्दी हमारा देश जो है इस कोरोना के संकट से बाहर आए ठीक है दुनिया में सबसे पहले हमारा देश बाहर आए और हम जो है एक नया एग्जाम्पल पूरी दुनिया के लिए सेट करें ताकि हम जल्दी जल्दी फिर पूरी दुनिया के लिए भी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें और पूरी दुनिया को भी जो है इस महामारी से जो है आज़ादी दिला सकें ठीक है तो ये हमारी उम्मीद रहेगी लेकिन सबसे बड़ा एक अभी एक और हमारा टेस्ट होगा वो होगा हमारा एक्चुअल इनोकुलेशन का ठीक है एक्चुअल वैक्सीनेशन जब स्टार्ट होगी तो रियल टेस्ट हमारा जो है वहीं पर होगा ठीक है क्योंकि मॉक ड्रिल्स हम कर सकते हैं प्रैक्टिस में हम कुछ भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर जो आपको जो प्रेशर वाला फैक्टर रहता है वो उतना तो नहीं रहता ठीक है तो एक्चुअल इनाकुलेशन जब करी जाएगी तो आपका जो जो आपका टेस्ट होगा जो लिटमस टेस्ट होगा ठीक है एसिड टेस्ट आपको उसको हम कह सकते हैं ठीक है तो वो अलग ही लेवल का होगा ठीक है तो अब वेट करते हैं कि क्या होता है हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा ठीक है अमेरिका में भी आपको पता है मॉडर्न ऑफिजर को आपको मिल चुकी है ठीक है और वहाँ पर कम से कम 20 मिलियन लोगों को एक महीनों में एक महीने में जो है वो वैक्सीनेटेड कर चुके हैं ऐसी उम्मीद हैं ठीक है ठीक है ऐसी उम्मीद थी उनकी लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ 2.8 मिलियन लोगों को ही जो है कर पाए ठीक है तो मतलब 20 मिलियन में से सिर्फ 2.8 मिलियन लोगों को ठीक है तो देखते हैं हम उम्मीद करेंगे कि हम जो है अमेरिका से भी बेटर करें ठीक है तो एक आपका है द फर्स्ट लाइट फॉर्म्स ठीक हाँ है कैमिट हैव कम अप विद द न्यू प्रोपोजिशन फॉर हाउ लाइफ मे हैव गन ठीक है तो ये इंटरेस्टिंग सा लगा इस वजह से मैंने आपको डाल दिया इसमें ठीक है कि कैसे लाइफ स्टार्ट हुई थी उसके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की होगी तो उन्हें कुछ पता लगा कि डायमिडो फोस्फेट आपका एक करके एक कंपाउंड है सिंपल कंपाउंड ठीक है तो कहीं ना कहीं वो नीटेड टुगेदर वो आपस में जुड़ा होगा ताकि फिर वो डीएनए के ब्लॉक्स बना सकें ठीक है इस वजह से थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा ये ठीक है तो आप ये नाम जो है इसको आप जरूर याद रखें हो सकता है प्रिंस में आपके आ जाए ठीक है इस साल नहीं तो अगले अगले साल आ जाए ठीक है तो इसको आप एक बार जरूर याद रखना ठीक है नोट्स में हल्के से कोने से जगह में लिख लेना जो नजर पड़ती रहे बस ठीक है तो इतना कुछ मैंने थाने आपको मैंने पहले बताया था ठीक है थोड़ा बहुत और देखते हैं वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर थ्री वर्ड हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स ठीक है आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे देश के डॉक्टर हर्षवर्धन उनका स्टेटमेंट आया था कि जो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो हम वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे उसमें जो वैक्सीन होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ठीक है तो बहुत अच्छी बात ही है ठीक है दैन एल ई डी लीडर लश्कर तयवालीडर मीट आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है जिसने पाकिस्तान पर जो है एक ख़तरनाक सा वो कर रखा है भाई बहुत स्ट्रिक्ट जो है आड़े हाथ ले रखा है पाकिस्तान को तो ठीक है पाकिस्तान से वो काम करवा दिए जो आज तक तो कोई नहीं करवा पाया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं करवा पाई ठीक है तो एफ ए टी एफ भी मीट आ दिया ग्रे लिस्ट में आपको पता है पाकिस्तान पहले से ही है ठीक है तो मीट उसकी होने वाले कुछ कुछ दिनों के बाद तो उसके लिए जो है पाकिस्तान ने क्या किया पाकिस्तान ने लश्कर ए तयबा जो आपके छब्बीस ग्यारह के जो हमले हुए आपके हुए थे उसका जो मास्टर था ठीक है लखवी ठीक है उनको जो है जेल में डाल दिया गया है ठीक है ये जहाँ तक आप पाकिस्तान का एक आप कह सकते हैं फेक कही कही और अरेस्ट है ठीक है कहीं ना कहीं सिर्फ कागज़ों पर दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ स्टेप्स उठाए ठीक है कहीं ना कहीं सिर्फ उसको दिखाने के लिए किया गया है ठीक है कोई एक्चुअल अच्छा इंटेंशन पाकिस्तान का इसमें नहीं रहा होगा ठीक है ये बहुत ख़राब काम पाकिस्तान करता है ठीक है लेकिन कब तक ऐसे करते रहेंगे देखेंगे वो तो ठीक तो है हमेशा चल लेने वाला ये ठीक है कभी ना कभी तो सच्ची में करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो फिर बहुत बुरे अंजाम भुगतने को पड़ेंगे ठीक है वो आगे देखते हैं का, में है, है? कुछ पहले भी हमने जो है दिंदू की एनलिसिस में ही हमने इसको देखा था ठीक है कि जो तो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो ग्रो हुआ है ठीक है देन कोवैक्सिन गेट्स एक्सपर्ट पैनल नोट मैंने आपको बताया कि जो कोवैक्सीन है उसको एक्सपर्ट पैनल नोट दे दिया है ठीक है डी जी सी आई को जो है उन्होंने सॉरी आपका जो <coughs> जो डी सी जी आई है ठीक है उनको जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिए दिया कि आप जो है इसको अप्रूव कर दीजिए ठीक है देन राबी फूड ग्रेन आउटपुट लाइकली टू एक्सीड प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक है जो हमारी राबी फूड ग्रेन जो आपको पता है हमारा जिसमें हमारा आ, हमारा जो आ, मार्च के वक्त हमारा हार्वेस्ट होता है ठीक है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इस बार का जो हमारा हार्वेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं पिछले साल से भी ज़्यादा होगा ठीक है तो बहुत अच्छी हमारे लिए बात है इस बार का हमारा Uh, जो खरीफ क्रॉप था वो भी काफ़ी अच्छा रहा ठीक है क्योंकि मानसून हमें अच्छा देखने को मिला ठीक है तो रीजी फूड अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है ठीक है पिछले साल भी बहुत अच्छा था ठीक है और मतलब तो हम अच्छा करते ही जा रहे हैं लगातार ठीक है यही एक रीज़न है कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के वक्त जो है हमने इतने बड़े लेवल पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया ठीक है बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा भी हुआ ठीक है स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल इसमें प्ले किया था ठीक है कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के वक्त जो है हर स्टेट गवर्नमेंट ने हर आपकी जो थी आपकी लोकल गवर्नमेंट सबने बहुत अच्छा काम किया था ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है अच्छे काम किए थे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज आप किसी को भी नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि काल ऐसा था कि कोई प्रिपेड इसके लिए था नहीं ठीक है तो आप इसको सबको जो है आप ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए ठीक है तो इतना ही था आज तो ठीक है ज़्यादा कुछ था नहीं ठीक है जल्दी ख़त्म हो गया तो कल आपका मंडे है तो अच्छे अच्छे आर्टिकल आने की हमें उम्मीद है ठीक है क्योंकि वीक डेज़ आपके अच्छे अच्छे आर्टिकल मोस्टली आते हैं ठीक है तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइब अचीव यू आई एस एंड ऑन टेलीग्राम थैंक यू